आर्यन खान प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. पार्टीनंतर आर्यनला घेऊन जाणारा मनीष भानुशाली हा एनसीबीचा अधिकारी नव्हताच तर तो भाजपचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा मलिकांनी केला. एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी मलिकांचे आरोप तथ्यहीन असल्याचं म्हणत फेटाळून लावलेत. द्वारा जो मैं इनके साथ साझा कर रहा था जो उनको और हेल्प मिले. अच्छा, तो जो कह रहे हैं नवाब मलिक साहब कि वो जो वीडियो कि आप पकड़ के ले जा रहे हो एक्चुअली वो एनसीबी का आदमी नहीं है, वो बीजेपी का आदमी है, उसको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं आपको यही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि जितने भी लोग वहाँ से रेड जैसे पूरी हुआ हाँ। उसमें आरोपी लोग भी थे, उसमें एनसीबी के अधिकारी भी थे, उसमें से एक मैं भी था. जितने भी लोग थे, जो जो गाड़ी में जगह मिली कि चलो वहाँ पे वहाँ जाना है एनसीबी ऑफिस में, ये लोग का जो भी कस्टडी होना है, जो स्टेटमेंट होना है वो करेंगे, मुझे सिर्फ मेरा विटनेस के तौर पे साइन करके निकल जाना है. तो सबके साथ मैं भी गया हूँ. आप वहाँ हेल्प कर रहे थे बेसिकली एनसीबी की? तो हेल्प करने के लिए गया था ना. हाँ। सीधी सी बात है. हाँ। अब आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि जो फोटोज भी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं जिनके साथ फोटोज दिखाई गई उसको आप कैसे देखते हो? फोटो में तो आप ही हो, ये तो मानते हो? मैं जरूर मानता हूँ. और पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो तो किसी भी नेता को मिल सकता है. मेरे पास अभी कोई पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है. हाँ। मैं अभी एक आम नागरिक के तौर पे मेरी जिम्मेदारी समझ के हाँ। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी. तो ऐसा क्यों कह रहे हैं एनसीपी वाले? आपको क्या? मनीष भानुशाली यानं ह्याच्यावर झालेले आरोप फेटाळून लावलेले आहेत. आपण केवळ पार्टीचा एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता आहोत आणि आपण तिथं मदत म्हणून तिथं उपस्थित होतो एवढं त्यानं म्हटलेलं आहे. मनीष भानुशाली हा आर्यन आणि त्याच्याबरोबर जे इतर अटक एनसीबीनं केले होते त्यांना घेऊन जात होता असं एनसीपीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं. मात्र हे आरोप एनसीबीनंही फेटाळलेत तर मनीष भानुशाली यानं सुद्धा हे आरोप फेटाळून लावलेत. आपण तिथं केवळ मदत म्हणून उपस्थित होतो असा दावा मनीष भानुशाली यानं केला. एक तरी तिकडे कुठलेही सीजर किंवा रिकव्हरी झालेली नाही. स्वतः रिकव्हरी दाखवत आहे स्वतःच्या कार्यालयामध्ये. म्हणजे कुठल्याही प्रकारची रिकव्हरी नसताना या लोकांना बदनाम करण्यासाठी जे गेली एक वर्षापासून फिल्म इंडस्ट्रीला बदनाम करताय त्यासाठी हे सगळे प्लॅन करून कारवाया झालेली आहे. मनीष भानुशाली हे यांचा गुजरात ड्रग कनेक्शन काय आहे याचा पण खुलासा एनसीपीकडून आम्हाला अपेक्षित आहे. कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की. ड्रग माफियांवर कारवाई करतील त्यांच्यावर तुम्ही तुटून पडाल? काय झाले तुम्हाला? महाराष्ट्र सरकारला या गोष्टीचं उत्तर द्यावं लागेल की अप्रत्यक्षपणानं ते ड्रग माफियांचं या माध्यमातून समर्थन करतात की काय करतात? मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे